Hi everybody, am I visible, audible? Everything good? Can we proceed? Yes. Hi everybody, hi Satya Prakash, hi Yoga Lakshmi. Hope everyone is doing great. Okay. So today we are going to talk about the biotechnological application. आपका ये chapter continue चल रहा है. It is a third session and today we are going to talk about molecular diagnostic. So everybody ready for the today's session? Yes. So guys, call your friends so that we can start our session. Hi Manas, hi everyone. So how was your बहुत सारी आपकी holidays रही हैं. तो कैसी रही आपकी हॉलीडेज? होप आपकी हॉलीडेज अच्छी रही होंगी, है ना? अच्छी रही सबकी हॉलीडेज, दिवाली हॉलीडेज. चलो चलो, नाउ वी आर बैक टू पवेलियन एंड अब फिर से हम अपना चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से रेडी करते हैं. एंड अभी तक इस चैप्टर के दो सेशन हो चुके हैं, नाउ इट इज अ थर्ड सेशन. तो आज के सेशन में एज यू ऑल नो क्या होने वाला है. आज हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम क्विज करेंगे. आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइज सम क्वेश्चन. सो आर यू रेडी? यू आर गोइंग टू इंजॉय 100% श्योर. पहला रिवीजन करेंगे, चलो रिवीजन करेंगे, उसके बाद वी विल प्रोसीड फर्दर. बिकॉज आई नो कि काफी दिन हो गए हमें इस चैप्टर को पढ़े हुए एंड बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल बाउंस हो चुकी होंगी आपके माइंड से. सो उनका रिवीजन करेंगे, आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस, इंटरेक्शन करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. तो सबसे पहले, एज यू ऑल नो, आपने मुझे देखा ही है इस चैनल पे, मैं बहुत बार आती रहती हूँ. I am Dr. Chavi and I am PhD in Zoology. 5 years of experience I have. Net GRF mera qualified hai with All India Rank 83. Guys, this is our hashtag Life School Daily. ठीक है? Okay, so this is guys our Telegram channel livedaily.me/chat. Our Telegram channel जिसमें already काफी सारे students आ चुके हैं. ये channel आपको आपके CBSE boards के लिए, आपके 11th-12th board के लिए आपको बहुत help करने वाला है. अब वो कैसे help करेगा? क्योंकि यहाँ पे आपको हमारी live classes की notification मिल जाती है, हमारी free classes जो Unacademy पे होती है उसकी notification मिल जाती है, और उसके अलावा plus पे कौन कौन से courses चल रहे हैं उनकी classes की notification भी आपको इसी channel पे मिल जाती है. So what do you have to do? आपको description box में एक link मिलेगा, उस link पे click करना, आप direct हमारे telegram channel पे पहुंच जाओगे. ठीक है? वहां नीचे आपको मेरी profile भी मिलेगी, आप मेरी profile Unacademy पे follow कर सकते हो. मेरी जब भी free classes, special classes होती है आपको notification मिल जाती है. But उस free classes के बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगी. ठीक है? अब Unacademy के पास दो चीजें हैं आप लोगों के लिए जो बार बार मैंने डिस्कस करी है. एक को कहते हैं प्लस प्लेटफॉर्म, दूसरे को कहते हैं 360 degree सपोर्ट सिस्टम, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में हमने बहुत बार डिस्कशन किया, उसके बारे में मैं दोबारा भी डिस्कशन करूंगी. बट सबसे पहले आइकॉनिक के बारे में डिस्कशन करते हैं. न्यू प्लेटफॉर्म जिसमें ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स ने अपने आप को एनरोल करा लिया है, Unacademy का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. बेस्ट पार्ट बताओ इसका क्या होता है? दैट वी हैव अ मेंटर विद अस. अब सोचो, बहुत अच्छे एजुकेटर्स, टॉप नॉच एजुकेटर अगर आपके मेंटर बन जाए और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करें कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना, तो क्या इससे अच्छी बात कोई और हो सकती है? है ना? तो ये तो बेस्ट पार्ट है. यानी कि आपको टॉप नॉच एजुकेटर में से आपको एक आपको मेंटर मिलेगा जो आपको वन ऑन वन गाइडेंस होगा. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों की क्लासेस है उसमें आपको गाइडेंस मिल रही है, नहीं, ऐसा नहीं. उसमें वन ऑन वन गाइडेंस होगा, वो एजुकेटर आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे. ठीक है? सो यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस, उसके अलावा पर्सनल आपको मेंटर करेंगे कि कैसे आपने प्रोसीड करना है. तो ये बेस्ट पार्ट होता है ना? हम लोगों को चाहिए होता है ना कि कोई हमें हाथ पकड़ के आगे पहुंचाए कि हमें कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना. उसके अलावा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, अब इसके बारे में बताऊं, एवरी डे 2 आवर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, 2 घंटे एवरी डे, वो वीडियो वाला, प्लस फुल डे आप उनसे मैसेज करके डाउट्स पूछ सकते हो. 2 घंटे तो दिन के ऐसा रहेगा कि भी आपके साथ लाइव डाउट क्लियरिंग, वो एक वीडियो सेशन होगा आपका, कंटिन्यू रहेगा, उसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो. और पूरे दिन आप मैसेज करो एंड आप डाउट्स पूछ सकते हो.
बेस्ट है कि नहीं है, इतना अच्छा है नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपको मिलेगी वीकली रिपोर्ट, यानी कि आपको प्रॉपर वीकली रिपोर्ट मिल रही है कि आपने ऐसा इतना पढ़ा, इतने लेक्चर्स देखे, इतना आपने आगे करना है, इन पे आपको हार्डवर्क करना है, आपके ये टॉपिक्स वीक है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, ये सब चीजें मिलेंगी। अच्छा, उसके अलावा पेरेंट्स कनेक्ट, योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स कनेक्टेड रहेंगे, एक स्टडी प्लानर मिलेगा आपको कैसे प्रोसीड करना है, ऑल द बेनिफिट ऑफ प्लस दैट मींस रिकॉर्डेड सेशन एज वेल एज लाइव सेशन प्लस असाइनमेंट्स एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है ना। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सिर्फ बायोलॉजी का नहीं, सारे सब्जेक्ट्स का है। चलो अब बात करते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। 6 मंथ की है 15,300, 12 महीने की है 25,200, 18 महीने की 31,500, 24 महीने की है 43,200 रुपए। अगर आप ये कोड यूज करते हो, आपकी छवि मैम का CHLIVE, दिस इज गोइंग टू गिव यू 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट आपको इस पे मिल जाएगा, ठीक है एवरीवन। तो जल्दी से आ जाओ इस प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, इसमें आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स, फिजिकल एजुकेशन तक सबकी क्लासेस का एक्सेस है आपके पास। अच्छा, जो बच्चों को नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए एक और प्लेटफॉर्म है, दैट इज अ प्लस का प्लेटफॉर्म। प्लस के प्लेटफॉर्म की फीस कंपैरेटिवली कम है, बिकॉज यहाँ पे आपको मेंटर नहीं मिलते, यहाँ पे आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस नहीं मिलते, बट हाँ आपको लाइव सेशंस का और रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस मिलेगा, वेयर यू कैन इंटरैक्ट विद योर एजुकेटर्स, ये सब चीजें विद असाइनमेंट, ये सब चीजें आपको मिलेंगी विद प्लस के प्लेटफॉर्म पे। Now, 3 months, 6 months, 12 months and 18 months, these are the packages for you. Already students आ चुके हैं और आप भी जल्दी से join कर लो। ये है code which you have to use, CHLIVE. Hi, Iti. चलो अब एक और बात मैं आप लोगों से करूंगी। जब हम बात करते हैं ना ये पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी है कि ऐसी क्या चीज अभी अनअकैडमी पे चल रही है कि हमें सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। गाइज, एक कोर्स चल रहा है टॉपर्स बैच का, टॉपर्स बैच। सो टॉपर्स बैच के कोर्स में क्या है, उसके अंदर आप अपने एजुकेटर के साथ फुल ऑन रिवीजन करने लग रहे हो। माना कि अभी तक बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके बहुत अच्छे से हो गए होंगे, और काफी चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत मतलब थोड़ा बहुत कर रखा होगा। नाउ अब टाइम है उसके रिवीजन करने की, और रिवीजन विल बी विद द हेल्प ऑफ PYQs एंड विद द हेल्प ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ MCQs, प्लस देयर विल बी डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट कर देगा कि आप अपने एग्जाम के अंदर 95% से 100% मार्क्स ले आओगे। ना, मैं यही चाहिए होता ना, PYQ उसकी प्रैक्टिस हो जाए, मैम हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दे, है ना। सो दिस इज अ टॉपर बैच कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के नाम से इट इज अवेलेबल, जल्दी से आ जाओ। मैम अभी प्लस पे क्या पढ़ा रहे हो, प्लस पे क्या नहीं पढ़ा रहे, अक्षत वो पूछो। सो प्लस पे मेरे 3 कोर्सेज रन कर रहे हैं इस समय। एक कोर्स है बेटा आपका माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। दूसरा कोर्स मेरा चल रहा है बेटा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की आज 2nd क्लास है 3:30 बजे। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, जो 16 और अगर लगाया जाए 18 से वो स्टार्ट हो चुका था, 18 से स्टार्ट होने के बाद ये 31 जनवरी तक कंटिन्यू रहेगा, ताकि उसके बाद तक तब तक बच्चों का सारा टॉपिक ये क्लियर हो जाए। सो 18 से ये स्टार्ट हुआ था इस मंथ में, 18 नवंबर से, और 31 जन तक ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चल रहा है। नाउ माइक्रोबायोलॉजी आपको समझ में आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। अच्छा, तीसरा आपका क्या चल रहा है बेटा, तीसरा आपका चल रहा है इसके अंदर रिवीजन कोर्स। आप सबको प्रॉब्लम रहती है मेरा लाइक जब भी आप देखते हैं बच्चों की मेजर प्रॉब्लम रहती है रिवीजन में, माइक्रोबायोलॉजी और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मोल बायो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं हम बेटा, उसमें हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका डिटेल इन डेप्थ मैं स्टडी करा रही हूँ स्टूडेंट्स को। सो 3 कोर्सेस मेरे चल रहे हैं, ठीक है, ओके। एनी अदर डाउट यू गाइस हैव? ये 3 कोर्सेज बैक टू बैक चल रहे हैं,
तो अगर जिनको चलना आना है फटाफट से, तो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी आ जाओ भाई। 3 courses तो बायोलॉजी के, ऐसे फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी है, और मेरे को तो मेरा फेवरेट तो ये टॉपर्स बैच वाला है, जिसमें अल्टीमेटली चाहे वो 60% वाला बच्चा है जिसको 60% लेना है, चाहे जिसको 100% लेना है, सबके लिए बेस्ट है। क्योंकि ये कहते हैं कि पेपर के अंदर अगर आपने PYQs ना करके गए या फिर आपने NCERT ना करा तो आपने कुछ नहीं किया, है ना, ऐसा होता है ना। ठीक है, चलो अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं बेटा हम। नाउ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक वी हैव टू स्टडी नाउ, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्स्ट थिंग इज चलो रिवीजन करें। तो रिवीजन मतलब, यानी कि अभी तक बेटा 2 session कंप्लीट हो चुके हैं, 2 session। अब चलेगा बेटा आपका session number 3, बट सबसे पहले इन 2 session का मेरे को कराना है आप लोगों के साथ रिवीजन। ठीक है, हाय रिशु, नमस्ते बेटा। चलो अब बात करते हैं 2 sessions के बारे में। सबसे पहली बात, ठीक है, हम पढ़ रहे थे बेटा बायोटेक की एप्लीकेशन, बायोटेक एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर हमने ये देखा। ठीक है, अच्छा गाइज जल्दी जल्दी बताओ, बायोटेक एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में हमने कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़े थे, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइज सर्टेन क्वेश्चंस एंड देखते हैं कौन से आंसर मिलने वाले। हाय साक्षी वर्मा, गुड आफ्टरनून बेटा, जल्दी बताओ क्या क्या पढ़ा था एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ BT कॉटन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने जीन डाल दिया है क्राई जीन, जिसकी वजह से हमारी जो कॉटन है वो रेजिस्टेंट हो गई है टुवर्ड्स लेपिडोप्टेरन, टुवर्ड्स डिप्टरन्स, है ना। अच्छा, BT कॉटन के अलावा हमने क्या पढ़ा था, ऐसे हमारे पास BT ब्रिंजल भी है, साइमल्टेनियसली वी हैव इज अ BT टोबैको आल्सो। याद आया, एवरीबडी रिमेंबर, यस और नो? बिल्कुल सही रिशु, वी हैव इज अ गोल्डन राइस, स्वागत, वेरी गुड, वी हैव डिस्कस्ड द गोल्डन राइस ऑल्सो। सो गोल्डन राइस के पास देयर इज अ जीन ऑफ बीटा कैरोटीन, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा बेटा हमने क्या पढ़ा था, उसके अलावा पढ़ा था हमने फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो, रिमेंबर और नॉट? उसके अलावा बेटा हमने पढ़ा था आपका जो नीमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको है, मेलिडोगाइने इनकॉग्निटा वाला, नीमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको, है ना, रिमेंबर और नॉट? ठीक है, फ्लेवर से वो बता दिया बेटा, टोमेटो हो गया बच्चा, चलो ये हमने पढ़ा था। अच्छा, उसके अलावा एक ब्रासिका भी था ना, तो ब्रासिका भी लिख देते हैं, वरना ब्रासिका हमारी बुरा मान जाएगी, तो हम ब्रासिका को बुरा नहीं मनवाना चाहते, तो ब्रासिका भी लिख देंगे, ब्रासिका नेपस, हेरोडिन का जीन डाल दिया हमने इसके अंदर। ठीक है, चलो आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलो बीटी कॉटन, बीटी टोबैको, गोल्डन राइस, फ्लेवर स्लेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो, नीमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको, एंड वी हैव इज अ ब्रासिका नेपस, वेयर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द जीन फॉर द हेरोडिन। नाउ बीटी कॉटन, कौन सा जीन डाला गया है इसके अंदर, क्राई जीन डाला गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट इट कैन प्रोड्यूस अ क्राई प्रोटीन, जिसकी वजह से इंसेक्ट जब भी उसको खाएंगे तो परफोरेशन हो जाएगी गट के अंदर, एंड हमारा जो कॉटन है वो बच जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज अ बीटी टोबैको, द सेम हमने यहाँ पे भी क्राई जीन डाला हुआ है। वी हैव अ गोल्डन राइस, गोल्डन राइस के अंदर हमने प्रिकर्सर डाल दिया फॉर द विटामिन ए, दैट इज अ बीटा कैरोटीन का जीन डाल दिया है। इस राइस का कलर आपका क्या है, गोल्डन कलर का है। ठीक है, फ्लेवर स्लेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो के अंदर क्या डाल दिया है हमने, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन को साइलेंस कर दिया है, जिसकी वजह से शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, नीमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको हमने बनाया है, जैसे कि मेलिडोगाइने इनकॉग्निटा विच इज अ नीमेटोड, उसकी वजह से प्लांट्स की रूट अफेक्ट हो जाती है, एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है
टोबैको की खत्म हो जाती है, कम हो जाती है. सो दैट्स द रीजन हमने क्या किया है, आरएनए इंटरफेरेंस को यूज किया है, वेयर वी हैव यूज्ड द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड दैट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइलेंसिंग और यू कैन से फॉर किलिंग द होल नीमेटोड विच इज मेलिडोगाइने इनकॉग्निटा. क्लियर एवरीवन? एंड वी हैव अ ब्रासिका ऑल्सो. सो ब्रासिका जो हमारे क्लॉट से रिलेटेड इश्यूज है, हमारे ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड इश्यूज को ठीक कर देगी. ठीक है, यहां तक इज इट क्लियर गाइस? चलो ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. ये समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा हमने क्या पढ़ा था बेटा इसके अंदर? चैप्टर बहुत छोटा सा, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर. नाउ दूसरा हमने पढ़ा कि बायोटेक नोलॉजी इन मेडिसिन, मेडिसिन में देखा हमने बायोटेक्नोलॉजी हमारी कैसे काम करती है. नाउ मेडिसिन में हमारी बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसमें हमने देखा था कि कैसे हमने आज के टाइम पे इंसुलिन बना लिया है. ठीक है, दैट रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज प्रिपेयर्ड, एंड अलोंग विद दिस रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन हमने और क्या बना लिया है, हमने कर ली है जीन की थेरेपी. ठीक है, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं क्या क्या किया है. Now, इंसुलिन का जीन जो है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन हमने निकाला, ईकोलाई के अंदर डाला, ईकोलाई को कल्चर किया, पॉसिबल. नाउ सबसे पहले किसने किया था इसको, कंपनी है, कंपनी का नाम है एली लिली कंपनी. ये आज भी बड़ा अच्छा काम कर रही है वैक्सीन में. ठीक है, एली लिली कंपनी ने किया था. इन्होंने क्या किया था, ए चेन को सेपरेट सिंथेसाइज किया था, बी चेन को सेपरेट सिंथेसाइज किया था, बाद में दोनों चेन को जोड़ दिया था वाया डाइसल्फाइड बॉन्ड. याद आया आप सबको, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया था, क्योंकि इंसुलिन के अंदर अगर आप देखोगे प्रो इंसुलिन के अंदर वहां पे तीन चेन्स होते हैं ए बी एंड सी. ए एंड बी इज फॉर्म्ड प्रेजेंट इन द मैच्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन एंड सी इज नॉट देयर इन द मैच्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन. जीन थेरेपी किसमें करी गई है, जीन थेरेपी करी गई है एक स्किड वाले पेशेंट में सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी. इन पेशेंट्स के अंदर जो आपका जो जीन था, कौन सा जो जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडीनोसिन डीएमिनेज, वो हमने डाल दिया है. एंड उस जीन की वजह से अब हम क्या कर सकते हैं, उनके अंदर लिम्फोसाइट मैच्योर होने शुरू हो जाएंगे. एक्चुअली स्किड पेशेंट में बेटा क्या होता है, एडीनोसिन डीएमिनेज जो होता है एंजाइम जो एब्सेंट है, उसकी वजह से जो डब्ल्यूबीसी है वो आगे लिम्फोसाइट को मैच्योर नहीं कर पाते. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चा होगा, उसको डिसीज बहुत सारी लगेंगी. जीन थेरेपी की वजह से हमने जीन डाल दिया है फॉर द एडीनोसिन डीएमिनेज. जब हमने ये डाल दिया है देन ऑब्वियसली वो मैच्योर होने लग जाएंगे, उनका इम्यून सिस्टम वापस आ जाएगा. बट डब्ल्यूबीसी एक लाइफ होती है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी मर जाते हैं. सो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस जीन थेरेपी. ठीक है ओके, एवरीबॉडी इज इट क्लियर? चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं. नाउ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के बारे में हमें आगे पढ़ना है. आपको पता है कि जब हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, सो बायोटेक के अंदर गाइज मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. पहले के टाइम पे क्या होता था कि छोटी से छोटी बीमारी होती थी, आज आप नहीं किसी डॉक्टर से जाके पूछना, तो डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते थे कि या तो आप यूरिन टेस्ट करा लो, या तो आप सीरम एनालिसिस यानी कि ब्लड टेस्ट करा लो. यही दो टेस्ट होते थे डॉक्टर के पास. तो हमेशा डॉक्टर कहते थे ये करा लो या ये करा लो. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आज हमारे पास एक बहुत सॉलिड वाली चीज पॉसिबल है, जिसकी वजह से कोई भी पैथोजन अगर आपकी बॉडी के अंदर है, इवन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वो डायग्नोस किया जा सकता है. बायोटेक की वजह से जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर आए हैं उससे पॉसिबल हुआ है बेटा कि हम अर्ली अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी भी बीमारी का. अर्ली डायग्नोसिस मतलब स्टार्टिंग में ही डायग्नोस कर रहे हैं हम किसी भी बीमारी का. ठीक है, पहले क्या किया जाता था, नॉर्मल एनालिसिस करी जाती थी. अब पता है क्या होता था,
हम डॉक्टर के पास कब जाते थे? हम डॉक्टर के पास जाते थे क्योंकि जब हमारा तबीयत ज्यादा खराब हो जाती थी, फिर हम डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर क्या करते थे, ब्लड टेस्ट कराते थे, यूरिन टेस्ट कराते थे, उसके बाद डिटेक्शन होता था कि एक पर्टिकुलर बीमारी है बंदे को या नहीं। अब क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ऐसी कई टेक्निक्स आज हमारे पास आ गई है जिसकी वजह से अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल हो गया है। ठीक है, अब अर्ली डायग्नोसिस जब ये पॉसिबल हो गया है, तो जब सिम्टम्स नहीं भी हैं, चाहे सिम्टम्स बहुत ही माइन्यूट से सिम्टम है, बहुत ही छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, फिर भी हम स्मॉल अमाउंट ऑफ पैथोजन को भी एनालाइज करा सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो है या नहीं। इसकी वजह से दो प्रोसीजर हमारे सामने आए हैं, दैट इज अ पीसीआर एंड एलाइजा। इनके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आएगा, ध्यान से मेरी बातों को समझना। ठीक है, फॉर अगर हमें किसी बीमारी को अच्छे से ट्रीट करना है, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग द पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, सीरम और यूरिन एनालिसिस एक्सेट्रा। फॉर अर्ली डिटेक्शन इस केस में पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, अब देखो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट यूरिन टेस्ट करा रहे हो या ब्लड टेस्ट करा रहे हो। पैथोजन अगर आपके ब्लड में होगा तभी तो वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सपोज कभी वो टिश्यूज में ही प्रेजेंट है, या फिर बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, या एज सच नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी का रिडक्शन नहीं हुआ है, या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, तो हमारा डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा विद ऑल दोज कन्वेंशनल टेक्निक जो आज भी अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आज अवेलेबल में, आज भी करे जाते, बट प्रेफर किया जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले मेथड को करा जाए। नो, आज हमारे पास पीसीआर उपलब्ध है, वी हैव इज एलाइसा आल्सो व्हिच हेल्प्स इन द अर्ली डायग्नोसिस। आइए इसके बारे में देखते हैं। आपको पता है कोरोना की जो वैक्सीन बन रही है पीसीआर पे बन रही है, ठीक है, उसके अलावा कोरोना को जो टेस्ट होता है कौन क्या इन्वॉल्व है, पीसीआर इन्वॉल्व है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो बेटा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सेशन जो चल रहा है ये कोरोना में चल रहा है, कोरोना का आपको पता है ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है अब तो हमारी सोसाइटी पे, बहुत ज्यादा वाला पूरी वर्ल्ड पे ही इफेक्ट इतना ज्यादा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब जरूर आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। सो यू हैव टू बी वेरी रेडी कि भाई मतलब कुछ भी क्वेश्चंस इन एनी फॉर्म दिस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, नाउ सबसे पहले बात करते हैं पीसीआर के बारे में। सो पीसीआर का मतलब क्या होता है, वी ऑल नो पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर। अगर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पैथोजन प्रेजेंट है ना, इवन दैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। पीसीआर का काम क्या होता है, पीसीआर का काम होता है डीएनए को आइसोलेट करके उस डीएनए को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करना मतलब उसकी कॉपी बनाना, है ना, यही काम होता है ना पीसीआर को। सो ये भी वही काम है पीसीआर का। नाउ प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया वायरसेस एक्सेट्रा इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिसीज सिम्टम। ठीक है, ठीक है, बट दिस टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी हाई इन द बॉडी। हाउएवर वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस एट द टाइम व्हेन सिम्टम ऑफ द डिसीज आर नॉट येट विजिबल कैन बी डिटेक्टेड बाय द एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा, कोई एक पर्टिकुलर इंफेक्शन हुआ है किसी एक बंदे को, ठीक है, इन्फेक्शन होने के बाद ऑब्वियस सी बात है जो भी पैथोजन होगा, पैथोजन क्या होगा, उनके ब्लड के अंदर होगा। पैथोजन क्या करता है, ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड के अंदर जाने के बाद पैथोजन क्या करता है, डैमेज शो करता है। क्या शो करता है, डैमेज। डैमेज शो होने के बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, सिम्टम्स आ जाते हैं, बुखार हो गया, खांसी हो गई, ये चीजें हो गई, सिम्टम्स हो गया। अब जैसे ही सिम्टम्स आते हैं तो सिम्टम्स के बाद हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते ही हम क्या करेंगे, डॉक्टर क्या कराएगा, कहेंगे बेटा जाओ जाके यूरिन एनालिसिस करा लो या फिर बेटा अपना सीरम एनालिसिस करा लो। यही कहते हैं ना बेटा डॉक्टर, बहुत ही कॉमन सी चीजें, यही डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि आज के टाइम पे अगर पैथोजन अभी ब्लड में आया ही है उसकी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो इजंट इट गुड, है ना। अगर यही पता लगे कि पैथोजन ब्लड के अंदर कितना है तो इससे अच्छी बात कोई हो सकती है। चलो, अब पैथोजन कैसे पता लगाया जाएगा,
ऑब्वियसली पैथोजन कैसा है, ऐसा। पैथोजन के अंदर क्या है बेटा, ईदर जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए एंड आरएनए होगा। सपोज करो इसके पास डीएनए है, ठीक है, अब इस डीएनए को क्या बाहर निकाला जाएगा, इस डीएनए की क्या बनाई जाएगी, कॉपी बनाई जाएगी, बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाएगी। इस मल्टीपल कॉपीज को रेडियो लेबल्ड प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज करा दिया जाएगा। अरे कहां गया, रेडियो लेबल्ड प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज करा दिया जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो फिर कलर दिखना शुरू हो जाएगा, तो मतलब पैथोजन प्रेजेंट है, ठीक है, पैथोजन प्रेजेंट है तो मतलब टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो टेस्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर बीइंग डन। अब यहां से यहां तक की कॉपी कौन बनाता है, ये बनाता है हमारा पीसीआर। सो अर्ली डायग्नोसिस में कौन इंपॉर्टेंट है, पीसीआर इज सॉलिड वाला इंपॉर्टेंट। ओके, एनी अदर डाउट यू हैव इज कैरी म्यूलस देवदत्ता डैश, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया, किसी बुक में आपको इतना बेसिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो फॉर माय स्टूडेंट्स मैंने इतने अच्छे से समझाया है। चलो दैट्स ग्रेट, रिशु समझ में आ गया, साक्षी वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, पीसीआर किस किस में यूज किया जाता है, आइए देखते हैं। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन द सस्पेक्टिव एड्स पेशेंट एंड इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन द जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू। इट इज पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इस पैराग्राफ का मतलब समझते, ठीक है। अगर किसी को, पहली बात है, सबसे पहली बात देखेंगे, पहली बात समझेंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग, आराम से प्यार से समझना। सबसे पहली बात करते हैं, किसी को, बंदे को हुआ है एचआईवी का इन्फेक्शन, क्या करेंगे, सिम्टम्स लग रहा है, कम सिम्टम्स है, अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए। या फिर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो एचआईवी टेस्ट करा लेते हैं, या फिर कोई भी बच्चा हॉस्पिटलाइज होता है, कोई भी हॉस्पिटलाइज, बड़ा बूढ़ा कोई भी हॉस्पिटलाइज होता है तो एचआईवी का टेस्ट करा दिया जाता है। तो एचआईवी टेस्ट में क्या किया जाता है, ब्लड निकाला जाएगा, ब्लड के अंदर इस एचआईवी के पैथोजन को, इस वायरस को सर्च किया जाएगा। पैथोजन में क्या किया जाएगा, उस पैथोजन के डीएनए को एम्प्लीफाई किया जाएगा। डीएनए जैसे ही उसका एम्प्लीफाई हो गया, उसकी कॉपी बन गई, उस डीएनए को एचआईवी के स्पेसिफिक वाले प्रोब के साथ बाइंड कराने वाली कोशिश करी जाएगी। प्रोब के साथ बेटा बाइंड कराने की कोशिश करी जाएगी। अगर बाइंडिंग हो गई तो टेस्ट पॉजिटिव, नहीं हुई टेस्ट नेगेटिव। ठीक है बेटा, सो दिस इज हाउ इट इज डन। सेकेंड थिंग है, ये तो हो गया एचआईवी के पेशेंट के अंदर। दूसरा यहाँ पे लिखा है बेटा, कैंसर पेशेंट के अंदर भी ये किया जाता है। आइए ध्यान से देखते हैं कैंसर में, ठीक है। कैंसर क्यों होता है, कैंसर इसीलिए होता है कि बॉडी की सेल्स सीधा 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 जाने की जगह है, वो टेढ़ा जाना शुरू हो जाती है। टेढ़ा जाना समझने का मतलब क्या है, टेढ़ा जाने का समझने का बेटा मतलब ये है कि वो नॉर्मल फंक्शन ना करके कुछ एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज को शो करना शुरू कर देती है। क्यों, क्योंकि इन सेल्स के अंदर इनका जीनोम मॉडिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इनका जीनोम यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बेटा मॉडिफाई हो जाती है। हाउ इज इट पॉसिबल, यू ऑल नो दैट देर आर टू टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल्स, ठीक है। हर सेल, आपकी मेरी सबकी, हम सबकी सेल में दो तरीके के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्या है बेटा, ट्यूमर सप्रेसर जीन, और दूसरे को कहते हैं बेटा प्रोटो ऑनको जीन। कहीं नहीं मिलेगा आपको, आप सोचोगे ना कि बुक में पढ़ लेंगे अभी छोड़ देते हैं, आई एम 100% श्योर यू आर नॉट गोइंग टू गेट ऑल दीज थिंग्स एनीवेयर, बट समझोगे तभी दिमाग में लॉन्ग टर्म तक रहेगा, रट्टो वाली चीजें लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती। अब मेरी बॉडी की कोई सेल निकाल लो, हर सेल के पास ये भाई साहब भी मिलेंगे और हर सेल के पास ये भाई साहब भी मिलेंगे, ठीक है। जब भी कैंसर सेल जब भी एक नॉर्मल सेल मॉडिफाई होकर कैंसर सेल बनाते हैं, तो ट्यूमर सेल का काम करना, ट्यूमर सप्रेसर जीन काम करना बंद कर देते हैं। ट्यूमर को सप्रेस कर रहा था मेरी बॉडी के अंदर, वो काम करना बंद कर दिया, कैंसर हो जाएगा। अगला है बेटा प्रोटो ऑनको जीन, इनके अंदर अगर इनका जीनोम मॉडिफाई हो गया बिकॉज ऑफ म्यूटेजन, प्रोटो ऑनको जीन कन्वर्ट हो जाएंगे इन द ऑनको जीन।
जिसकी वजह से सेल रैपिडली डिवाइड करेगी, एंजियोजेनेसिस शो करेगी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अगर मैं आपकी बॉडी के अंदर जीनोम मॉडिफाई हुआ है या नहीं उसको चेक करा लूं तो पॉसिबल, तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी कैंसर की, ये नहीं होगी। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर डन। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, नहीं मिलेगा फिर कहीं पे भी, है ना देवत्ता। चलो दैट्स ग्रेट। ठीक है, चलो चलो कोरोना का टेस्ट भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। ओके भाई साहब, यह तो बातें हो रही है, चलो लीव इट। ठीक है, तो पीसीआर में क्या किया जाता है, जीनोम वंस इट इज एम्प्लीफाइड, अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज विद अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन सेल, फॉलोइंग बाय द डिटेक्शन इन द ऑटो रेडियोग्राफी, द क्लोन सेल हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद द म्यूटेटेड जीन। ठीक है, इज इट क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में आ गई सबको, है ना। तो ये जीन मॉडिफिकेशन पता लग जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक प्रोब बनाएंगे, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए, इसके पास कैपेसिटी होगी कि एक नॉर्मल जीनोम पे जाके मैप होने की। अब क्या है बेटा, ये जीनोम बहुत सारी जगह से मॉडिफाई हो गया, अब वो मॉडिफिकेशन होने की वजह से यहाँ पे बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, बाइंडिंग नहीं होगी, रेडियो एक्टिविटी नहीं, रेडियो एक्टिविटी नहीं देना आप शौक, बंदे को कैंसर है, है ना। अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल, टेस्ट हो गया पॉसिबल, और उसके बाद आप इजीली उसको ट्रीट कर सकते हो, है ना। अब आप कहते हैं कैंसर जो है उससे बहुत लोगों की डेथ हो रही है, आपको पता है ना कैंसर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के नाम से अब तो हमारे सामने आ रहा है। अच्छा, अब क्या है, कैंसर अर्ली स्टेजेस में अगर डिटेक्ट हो गया, दिस कैन बी ट्रीटेड, डोंट वरी, दिस कैन बी ट्रीटेड। ठीक है, सो हमेशा टेंशन लेने का नहीं। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब पीसीआर कैसे कराया जाता है, लेट्स हैव अ लुक। पीसीआर, हाउ दिस पीसीआर इज बीइंग डन, देयर आर थ्री स्टेप्स फॉर दिस पीसीआर, यू ऑल नो ऑलरेडी स्टडीड इन लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट इज टर्म्ड एज अ डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप इज टर्म्ड एज अ अनीलिंग, थर्ड स्टेप वी हैव इज एक्सटेंशन, दीज आर द थ्री स्टेप्स, एक्सटेंशन लास्ट वन, अनीलिंग सेकेंड वन, वी हैव इज अ डीनेचुरेशन। नाउ हाउ इज इट डन, लेट्स हैव अ लुक। अल्टीमेटली द गोल ऑफ द पीसीआर इज टू एम्प्लीफाई द जीनोम, कैसे आइए देखते हैं। मेरे पास क्या है, एक ये डीएनए, इतना सा निकला है मेरे पास डीएनए, अब मुझे इस डीएनए की हजार कॉपीज बनानी है, मैं इसको क्या करूंगी, पीसीआर मशीन में डाल दूंगी, पीसीआर मशीन में और भी चीजें डालेंगे, बट यस दिस कैन बी डन। चलो अब पीसीआर मशीन में डाल देंगे तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले वी ऑल नो कि हमारा डीएनए क्या होता है बेटा, हमारा डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, क्या होता है डबल स्टैंडर्ड। नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप इज अ डीनेचुरेशन व्हिच यू कैन सी ओवर हियर, दैट मींस बोथ द स्ट्रैंड्स दे विल बी सेपरेटेड। ठीक है गाइस, समझ में आया, नाउ बोथ द स्ट्रैंड्स दे विल बी सेपरेटेड, आफ्टर दैट आरएनए प्राइमर्स लगाए जाएंगे, प्राइमर्स ऐड होंगे। देखो लेट्स लुक एट दिस एनिमेशन, वी हैव अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो द साइकिल विल प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन, द फर्स्ट क्या होगा, देयर विल बी डीनेचुरेशन, बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए दे विल बी सेपरेटेड, लुक एट दिस, high temperature we are providing and the hydrogen bond present between the DNA, it will be separated. Then what we are going to do, we are going to add TARP polymerase, but unfortunately TARP polymerase can't see ki kahan se start karna hai, isiliye isko start karne mein help karte hain hamare paas kuch primers, annealing ke andar primers add kare jayenge, primers add hoga, TARP polymerase usko extend karega by use of all these DNTPs. ठीक है, एंड दिस इज हाउ द एम्प्लीफिकेशन इज गोइंग टू हैपन। नाउ दो तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए, एक ये व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ पीसीआर, डीनेचुरेशन अनीलिंग एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन एक्सटेंशन अनीलिंग, अनीलिंग एक्सटेंशन डीनेचुरेशन, ऐसे चार पांच ऑप्शन होंगे, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन होगा डीनेचुरेशन अनीलिंग एंड एक्सटेंशन।
ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इज द टेम्परेचर. यस 95 अराउंड डिग्री सेल्सियस यू रिक्वायर फॉर द डीनेचुरेशन प्रोसेस. फॉर अनीलिंग लेस टेम्परेचर फॉर एक्सटेंशन इन बिटवीन द डीनेचुरेशन एंड अनीलिंग टेम्परेचर. एनी अदर डाउट यू गाइस हैव? यस एब्सोल्युटली राइट. बिलियंस ऑफ कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है. सो इट्स अ वेरी स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट मशीन वेयर यू विल बी एडिंग योर डीएनए विच यू एक्चुअली वॉन्ट्स टू एम्प्लीफाई. So, first thing is you'll add DNA, which you want to amplify. Second thing is you will add the enzyme, which is a TARP polymerase, Thermus aquaticus, which is, you can say, which is thermostable and which can survive this much high temperature, 95 degrees Celsius. Though it is a protein, enzymes are made up of protein only. So, though it is a protein, but still it is thermostable, it cannot degenerate. Okay? Now, third thing is, सेकेंड हमने टार्क पॉलीमरेज डाल दिया. द सेकेंड थिंग इज थर्ड थिंग इज वी हैव टू एड सर्टेन डीएनटीपीज आल्सो एंड द सर्टेन प्राइमर्स आल्सो. सो देयर आर वेरियस प्राइमर्स. फॉरवर्ड प्राइमर्स रिवर्स प्राइमर्स आर ऑल देयर. सो वंस यू विल बी इन रिसर्च तो ये सब चीजें आप डेफिनेटली डेली के डेली करने ही वाले हो. ठीक है. कॉमन है. ठीक है. एवरीबॉडी इज इट क्लियर? Guys, have you marked your attendance or not? Because we are going to start our quiz within 10 minutes, Arti. What's the time? Yes, within 10 minutes, I'm going to start the quiz. Right? Now, let's look at the very interesting thing that is a PCR technique. It's used in the case of the corona detection. आपको पता है किसी का corona हो जाता है तो उनको PCR testing करी जाती है. क्या करते हैं? PCR testing. पता है आपको PCR testing में क्या किया जाता है? तो PCR testing के अंदर क्या किया जाता है? Swab लेंगे. कहाँ से? Nose से और throat से swab लेंगे. ठीक है. जब swab ले लोगे then obviously बात है कि उसके अंदर क्या आ जाएगा? Bacteria, sorry virus आ जाएगा. है ना? क्या आ गया? वायरस आ गया. वायरस को ले लिया इसके अंदर. ठीक है. अब इसके जीनोम को एम्पलीफाई किया जाएगा. एक से दो, दो से चार, चार से एम्पलीफाई करोगे आप इसको. पीसीआर यही प्रोसीजर चल रहा है. आरटीपीसीआर यूज किया जाता है क्योंकि आरएनए इसके पास जीनोम पे. पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट होगा फिर डीएनए की कॉपी बनाई जाएगी. इसको आरटीपीसीआर कहते हैं. नाउ वंस वी हैव दीस कॉपी ऑफ द डीएनए अब फ्लोरोसेंट प्रोब्स यूज करे जाएंगे एंड जैसे ही फ्लोरोसेंट प्रोब्स इससे बाइंड हो गए यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट. अगर नहीं आया फ्लोरोसेंट प्रोब तो इसका मतलब नेगेटिव रिजल्ट. ठीक है. क्लियर? सो देखो कोविड का टेस्ट भी ऐसे ही हो रहा है आप लोगों का. मैम आई वॉज कोरोना विक्टिम. दैट्स ग्रेट. अगर रिकवर हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है. कॉन्ग्रेचुलेशन. वेल डन रिशु. इसी चैप्टर की क्विज होगी पिटर. इसी चैप्टर की क्विज करने वाले हैं. ठीक है. हाँ अधिमुलाम योग लक्ष्मी वी हैव आरटीपीसीआर. आरटीपीसीआर करते हैं हम उसमें. ठीक है. चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर. टेक केयर गाइज इन दिस टाइम. टेक केयर. ठीक है ना. मतलब समवेयर और अदर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये लग गया है यार कि भी होगा सबको बट जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए बस हम. है ना. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज लग रहा है कि होगा सबको बिकॉज कितना टाइम हो गया. एंड एवरी डे वी न्यूज में देखे न्यूज पेपर में देखे कितने केसेस एवरी डे बढ़ते चले जा रहे. बट भगवान करे सब अच्छे से रहे या जल्दी से जल्दी सब रिकवर कर जाए. ठीक है. जिनके सिम्टम्स बिल्कुल भी वर्स नहीं आने चाहिए वो रिकवर कर जाए. चलो नेक्स्ट प्रोसीजर वी हैव इज अ एलाइजा प्रोसीजर. ठीक है. सो ये एलाइजा भी आया है आपके. ठीक है. वायटेक से ही आया हुआ है. चलो देर आर वेरियस टाइप ऑफ एलाइजा. दैट कॉम्पिटेटिव एलाइजा है. नॉन कॉम्पिटेटिव एलाइजा. वेरियस एलाइजाज आर देयर बट दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. ठीक है. तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी. सो एलाइजा इज बेस्ड अपॉन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. अब ध्यान से मेरी बात सुनो. एक स्वैब ले रही हूं मैं आपकी बॉडी का स्वैब या फिर आप ये कह दो मैं आपकी बॉडी से ब्लड सैंपल ले रही हूं. आपके ब्लड सैंपल के अंदर सपोज करो कोई एंटीजन कोई वायरस कुछ ना कुछ प्रेजेंट है जो मुझे डिटेक्ट करना है. मुझे पता है कि मुझे डिटेक्ट करना है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन है या नहीं है. लेट्स से कोरोना का एंटीजन है या नहीं. तो मैं क्या करूंगी
आपके बॉडी के अंदर इस एंटीजन के अगेंस्ट, कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को डालूंगी। ये एंटीबॉडीज को मैं सजा धजा के डालूंगी, यानी कि इसके ऊपर गाइस मैं कुछ एंजाइम को चिपका के डाल दूंगी। डल गया एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, दोनों आपस में चिपक गए। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगला स्टेप बेटा क्या होगा, ये दोनों आपस में बाइंड कर जाएंगे। बाइंड करने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, फिर मैं डाल दूंगी कोई सबस्ट्रेट। क्या डाल दिया, सबस्ट्रेट। नाउ सबस्ट्रेट जो मैं ऐड करूंगी, ये सबस्ट्रेट होगा आपका क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। कौन सा सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट क्या प्रोड्यूस करेगा, कलर कंपाउंड, एंजाइम के साथ रिएक्शन करके कलर कंपाउंड बनेगा। अगर कलर कंपाउंड बन गया तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर वो एंटीजन है, नहीं बना तो एंटीजन नहीं। सिंपल सा प्रोसीजर विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, प्यार से समझो। ओके एवरीबॉडी क्लियर, यस गाइस क्लियर और नॉट, टेल मी इज इट क्लियर। सो एलाइजा यू नो व्हाट इज दिस हैपनिंग, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज देयर। अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो कलर कंपाउंड हमने बना दिया तो हमारे पास कलर बनेगा। आओ देखो ध्यान से, आपने क्या किया है, ये एक एलाइजा की एक प्लेट होती है, एलाइजा की प्लेट के ऊपर आपने एंटीजन को चिपका दिया, फिर आपने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डाली है, एंटीबॉडीज को एंजाइम से लिंक करके डाला, फिर आप इसके अंदर क्या करोगे बेटा, वॉशिंग करोगे, एक्सेस को हटा दोगे, फिर आप इसके अंदर सबस्ट्रेट डालोगे, सबस्ट्रेट कलर कंपाउंड शो करेगा, कलर कंपाउंड हो गया तो मतलब रिएक्शन है, रिएक्शन है तो यानी कि पॉजिटिव टेस्ट है, अदरवाइज नहीं। एड्स का टेस्ट किया जाता है बेटा इससे। क्लियर 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 रिशु, चलो दैट्स ग्रेट। जो लोग बहुत साइलेंटली पढ़ रहे हैं ना भाई, मजा आ रहा है उनके साथ तो। ठीक है एवरीबॉडी क्लियर और नॉट, चलो अब लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बट व्हाट वी कैन डू इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है चलो, अच्छा गाइज दीज आर द क्वेश्चंस जो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कुछ कुछ पूछे थे, अब मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर बता दो एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। लेट मी हैव अ लुक एट योर चैट्स नाउ, लेट्स सी कि कौन आंसर देता है बेटा इसका। द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन द बॉडी इज, एडीए की प्रोडक्शन कहाँ होती है बॉडी के अंदर, बोन मैरो लिम्फोसाइट, व्हाट विल बी द राइट आंसर, जल्दी बताओ गाइज कहां पे होती है एडीए की फॉर्मेशन बॉडी के अंदर। रिशु सेड इट इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो, एनी अदर स्टूडेंट, एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज, तनुजा सेड इट इज ए, एनी अदर गाइस कहां पे होती है इसकी फॉर्मेशन, एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज फॉर्मेशन। कहां गया आपकी चार्ट, वेट 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 वेट, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लिम्फोसाइट, यस एब्सोल्युटली राइट, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लिम्फोसाइट बेटा। अगला पैथोफिजियोलॉजी मीन्स वॉट, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ पैथोजन और स्टडी ऑफ द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट, स्टडी ऑफ ऑल्टर फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट, व्हाट विल बी द राइट आंसर। पैथोफिजियोलॉजी, अगर पैथोजन की फिजियोलॉजी क्या होती है, दैट मीन्स टू स्टडी द ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट और नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ पैथोजन। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टडी ऑफ ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट। ठीक है चलो, गोल्डन राइस के अंदर क्या है, व्हाट इज देयर इन गोल्डन राइस, अ वैरायटी ऑफ द राइस अलॉन्ग विद द येलो लिवर इन चाइना, लॉन्ग स्टोर्ड राइस हैविंग येलो कलर टेंट, अ ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन। जल्दी बताओ एक बार, रिविजन हो जाएगी ये बेटा,
करेक्ट आंसर वी हैव इज दैट इट हैज अ जीन फॉर द बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन का जीन है विच इज अ प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन ए. ओके अगला. ठीक है. द प्रोब विच इज अ मॉलिक्यूल यूज टू लोकेट स्पेसिफिक लोकेशन इन सीक्वेंस इन द मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड आरएनए कुड बी अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ईदर आरएनए और डीएनए. Can be single stranded DNA, not single stranded RNA. What will be the right answer? क्या होता है बेटा ये? What do we call it? Why? Probe को क्या कहते हैं? So probe, as discussed earlier, probe आपका दोनों हो सकता है बेटा. This can be DNA also, this can be RNA also. So this can be single stranded DNA or single stranded RNA. ठीक है? दोनों चीजें हो सकती हैं. ठीक है? अगला. GEAC stands for what is the right answer in this case? GEAC, Genome Engineering Action Committee, Ground Environment Action Committee, Genetic Engineering Approval Committee, Genetic and Environment Approval Committee. Yes, absolutely right. Genetic Engineering Approval Committee. Very good, Devatta. Very good, Rishu. Good going. C is the right answer. ठीक है? चल. ठीक है. सो दिस वॉज आर क्विज. सो होप एवरीबडी इंजॉयड दीज क्वेश्चंस. ठीक है. चलो अभी का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे. आई विल बी डिस्कसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग वन मोर टॉपिक विच इज अ बायो एथिक्स बायो पायरेसी. ये बच गया है विच वी आर गोइंग टू डू टुमोरो. ठीक है. ठीक है गाइज. चलो. So guys, this is a schedule for your class 11th and this is a schedule for the class 12th. Every day 1 PM pe main live aati hu. Specifically Thursday, Friday, Saturday. And once we will complete this chapter, main aapko achha kuch baatein karti hu. Theek hai? Jaise hi hamara ye chapter complete ho jayega, main revision start karne wali hu on YouTube. Short courses release ho jayenge. प्रारंभ बैच आपका रिलीज हो जाएगा एंड उस प्रारंभ बैच में द नेक्स्ट चैप्टर विच आई एम गोइंग टू टेक इज मोल बायो. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वी विल बी डिस्कसिंग बिकॉज इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहता है. बट आफ्टर दिस सेशन डेफिनेटली वो डाउट्स आपके होने वाले हैं ऑल वाला क्लियर. ठीक है. सो ये स्टार्ट होगा रिविजन सेशन. शाम को क्लासेस हुआ करेंगे. शाम को 6 बजे के अराउंड इसके क्लासेस हुआ करेंगे. ठीक है. Now this is a schedule for the class 12th guys. इसको note down कर लो. ये schedule ऐसे ही चलेगा. Now अगर आपको special classes attend करनी है तो रोज सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे दो time मेरी special classes चलती है on an academy platform. Human health and diseases हम start कर चुके हैं. अच्छा. Types of vaccine, Devatta ने पूछा types of vaccines. बेटा there are various type of vaccine. First generation vaccines, second generation vaccines, third generation vaccines. These are the types of vaccines we have. First generation, that means we are taking a whole pathogen or heat killed pathogen we are taking or a part of pathogen we are taking. Second generation के अंदर what we are doing is we are producing a part of the whole pathogen. ठीक है. That can act as an antigen. The third one we have is a recombinant vaccines. ठीक है. तो मैंने ये session human health and diseases special पे start कर दिया. सुबह 8 बजे class होती है तो वहां पे आ जाना. ठीक है. चलो. नाउ गाइज दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल livedaily.me/chat. जल्दी से जल्दी इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो. अब आपको पता है ना अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन क्यों लेनी चाहिए. ये तो फीचर सुन के आपको पता ही है. ठीक है. आपको यहाँ पे क्या चीजें मिलती हैं उसके बारे में मेरे को डिस्कशन करना है. कैसे? आप सबको पता है विद अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अब ऐसे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं जिसमें आप 3 मंथ्स के अंदर अपने पूरे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करो. कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें आपका लास्ट मिनट रिवीजन में हम आपकी हेल्प करें. PYQs के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन प्लस वाले प्लेटफॉर्म पे जिसकी बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट है 12 मंथ्स की 13,500 और अराउंड 3 मंथ्स की है 6,000 के अराउंड. Do use this referral code CHLIVE and जल्दी से जल्दी guys इस platform पे आ जाओ.
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, एंड इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम के चैनल पे यू गाइस कैन मैसेज अस, यू गाइस कैन आस्क अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो कि आप उनको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। 3 कोर्सेज चल रहे हैं मेरे प्लस के प्लेटफॉर्म पे, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, रिविजन कोर्स और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स। अगर आपको एक स्ट्रीमलाइन तरीके से पढ़ना है, देखो यहाँ पे हम कब आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं अराउंड आप लगा लो हफ्ते में 3 दिन, वहां पे आपको डेली क्लासेस मिल रही है, दैट टू इन 3 कोर्सेस, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। ठीक है, इज इट क्लियर? चल, सो गाइज होप यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड द पीडीएफ। ठीक है, चल let's crack it. This is our referral code CHLIVE. Take care everyone. See you tomorrow at same time. Bye bye guys.